लिटिल पांडे शो 2.9 में आपका स्वागत है। दोस्तों हम ट्राई कर रहे हैं बिग बॉस से कुछ भी अगर कोई क्लिप्स मिल जाए उस पर अपना रिएक्शन देने के लिए। मेनली हम फोकस कर रहे हैं कि अगर हमको सलमान खान देखने मिल जाए, शहनाज देखने मिल जाए, सिद्धार्थ देखने मिल जाए, उनका कुछ फनी जो भी मोमेंट्स है, लव मोमेंट्स है, रोमांटिक मोमेंट्स है, इमोशनल मोमेंट्स है, कुछ भी उस पर अपना रिएक्शन देने के लिए। तो लास्ट में हमने बिग बॉस 13 से शहनाज गिल का जर्नी पे रिएक्शन दिया था, पहले दिया था है ना, उनका एंट्री भी दिया था, एक जो फाइनल जर्नी था बिग बॉस का उस पर हमने रिएक्शन दिया था। तो हमको कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने हमको ये रिक्वेस्ट किया है कि सिद्धार्थ का भी जर्नी जो बिग बॉस 13 का था उस पर भी अपना रिएक्शन देने के लिए। दोस्तों तो आज हमने सोचा है उसी पर अपना रिएक्शन देने के लिए। तो दोस्तों देखते हैं उनका इस जर्नी में हमको क्या देखने मिलेगा, क्या हमको याद आता है जो हमने कभी देखा है, अगर तो क्या नॉस्टैल्जिक फीलिंग हो सकता है वो देखते हैं। आइए ड्रेस अच्छा था, मुझे पसंद आ गया। अगर इस घर में कोई सही है ना लड़की गलन चीज क्या बात है, ये फायदा होता है जब इंसान दोनों जगह लौटता है तो उसको सबका पता रहता है। वेरी गुड। मैं तो कल बोला था आई विल सपोर्ट यू। दोस्ती का मतलब पता नहीं आई दोस्ती निभाने। तू आई हैव यू, आई हैव यू। कदा होगा वो इंसान जो तेरे पे भरोसा करेगा। मेरा कंसर्न होता था क्योंकि लोग तुम्हारा इस्तेमाल करना है करें, मुझे अच्छा लगेगा आपसे, मुझे तुमसे कुछ मुश्किल से मैं मत कर संभला था क्योंकि मैं नहीं मानने वाला। तुझे कितना चाहिए हो गया कुछ, मत कर।
मेरा मन शक्ल ना देखी एक बार तेरी शक्ल देख रही हूँ ना, मेरे को तेरी शक्ल पे प्यार आया। Your mother, my mother, your mother. Sir, I don't know about your mother, but my mother is going to be very happy hearing this. You're right about that. एक सवाल मेरा आपसे है, जैसे हम लोगों ने देखा है कि छोटा बड़ा कोई भी टास्क हो आप हारना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते, खुदा ना खास्ता अगर ये शो आप नहीं जीते तो कैसे हैंडल कर पाएंगे? हारना मुझे पसंद नहीं है, हार ये बिल्कुल सही है। Okay.
बिग बॉस आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। नहीं हुआ था ना, वो जो मॉल वॉल जाते हैं सब नहीं होता है, नहीं हो पाया था। 138 रात 12 बजे। 12 बज गया था, उस दिन बहुत देर होता है, ऑलमोस्ट लास्ट। उस समय इसके पहले तक थोड़ा गुस्सा था उससे, लेकिन वो देखने के बाद फिर जाके मिल गया उससे, तो देख के याद है वो चीज। अच्छा लगा दोस्तों, देखिए इतना हंसी मजाक था, एंड अभी वो बोलने में बहुत अजीब लग रहा था बोल के, मैंने क्योंकि बिग बॉस के टाइम और बिग बॉस के बाद लग रहा था कि बहुत अच्छा उनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, बहुत सारा मूवीज और बड़ा बड़ा सीरियल्स बहुत आने वाला था उनका लाइफ में, करियर बहुत अच्छा इम्प्रूव होने वाला था, हाई पॉइंट था यार उसमें, वही समझ नहीं आ रहा क्या बोल सकते हैं, क्या डेस्टिनी फेट किसका कैसा रहता है। बट ये बिग बॉस 13 दोस्तों मेरे हिसाब से अभी तक जितना भी बिग बॉस सीजन हुआ है, आप हिंदी का बोलिए या कोई भी रीजन लैंग्वेज का, ये सबसे बेस्ट सीजन था मेरे हिसाब से बिग बॉस 13 जो था। कंटेस्टेंट भी बहुत अच्छे थे, उनका बीच में फाइटिंग और सबके बीच में वो विनिंग वाला लाइक वो कैपेबिलिटी और वो क्या बोल सकते हैं अंदर से वो था फाइटिंग का कि मैं जीतूंगा। ये एक सीजन ऐसा था कि एटलीस्ट 4 या 5 कंटेस्टेंट मुझे लगते थे कि उनपे लाइक क्या बोल सकते हैं ये है कि वो लोग टॉप 5-4 जाएंगे और टॉप में कोई भी जीत सकते हैं। आसिम, रश्मि, सहनाज, तो मुझे सहनाज ही जीतेगी। हाँ, मुझे एक टाइम लगा सहनाज अगर सिद्धार्थ को कोई टक्कर दे सकता था तो सहनाज ही थी खुद ही, वो दोनों ही एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट ईच अदर करते थे, लेकिन उसका पॉपुलैरिटी भी कितना ज्यादा था क्योंकि उसको अलग वे में सब प्यार करते हैं ना, और वो बस उस शो से ही हो गया था, शो से ही इतना, तो वो एक अलग था उसका जो कमाया हुआ बिग बॉस से कमाया हुआ, और तो वैसा था कि मुझे लगा था लास्ट अगर आसिम भी वैसे ही पाया, रश्मि भी थी तो जानते थे लोग बोले, मतलब कि इनका सब में जिद था कि हाँ। मैं भी जीतूंगी या मैं भी जीतूंगा बोल के, इवन पारस भी लास्ट लक में छोड़ा है वो हाँ। जब उसको लग गया कि उसका नहीं होने वाला है, पैसा ले लिया था, ये तो बेकार का सोचती थी मुझे लगता था, महिरा अपने बहुत सोचती थी कि वो जीतेगी बोल के, बट हम जो शो देख रहे तो मालूम चल जा रहा महिरा का अगर पॉपुलरिटी बढ़ भी रहा है उतना नहीं बढ़ेगा जितना ये 4 और जो टॉप 4 का है उनका ज्यादा तो नहीं बढ़ेगा। ऑब्वियसली महिरा को भी बाद में काम मिला उनको, बट वो जो लेवल हम देखे थे वो तो रेंज में ही नहीं था, उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, खेसारी था, फिर भाऊ और भी बहुत लोग थे, मेरे हिसाब से अच्छा था ये सीजन, तो बेस्ट था। उसकी गर्लफ्रेंड भी थी, एक्स गर्लफ्रेंड, हाँ उनका भी एक अलग था भाई, वो यादव पैन वाला मारो बट कॉमेडी है वो तो, और एक मजा आया था, ये तो बेस्ट सीजन था दोस्तों, उसमें टास्क हो या फाइटिंग हो, लाइक लव, इमोशनल सब कुछ था उसमें, फ्रेंडशिप सब कुछ देखने मिला था ओवर, और हर एपिसोड एक भी बोरिंग नहीं था, ऐसा ये वाला सीजन था दोस्तों। बहुत मजा आया सिद्धार्थ का जर्नी, बहुत कुछ देखने मिला, मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा फोकस सहराज के ही अराउंड था, स्टार्टिंग का जो भी असीम के साथ उसका क्लोजनेस था वो सब दिखाते भी तो और थोड़ा अच्छा लगता था देखने, क्योंकि एक्चुअली उनका बहुत अच्छा बॉन्डिंग देख के लग रहा था, सेकंड हाफ में थोड़ा सा बर्बाद हो गया, अच्छा हाँ ये भी हो सकता है क्योंकि बड़ा वीडियो होगा शायद वो। दोस्तों बहुत अच्छा लगा, वो आपको भी अच्छा लगा, हम ट्राई करेंगे इस सीजन से या कोई और भी बिग बॉस का कुछ अच्छा मोमेंट हो उस पर अपना रिएक्शन देने के लिए, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय।